हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। जैसे कि गाइस, आप सबको पता है कि नेक्स्ट जेएस की सीरीज स्टार्ट करी है मैंने। पहली वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो देखी होंगी कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं डिटेल में, कि नेक्स्ट जेएस बिगिनर टू एडवांस कैसे लेके जाऊंगा मैं और क्या क्या चीजें रखूंगा इसके अंदर, और प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, वो सारी चीजें। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये है पार्ट टू, और इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है, सेट करना है अपने नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन को, और फर्स्ट टाइम हम रन करके देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन रन कैसे होती है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, और वीडियो में जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको सेम फॉलो करिएगा जरूर। ओके, तो जैसे कि गाइज आपको मैंने बताया कि नेक्स्ट जेएस की आपका ट्यूटोरियल कोर्स है, अगर प्लेलिस्ट अगर मिस हो जाए कोई भी वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप क्लियर भी कर सकते हैं। इसके बाद में जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं गाइस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं तो वहां पर मेरे साथ वन टू वन बात भी कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, कि सबसे पहले आपको नेक्स्ट जेएस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी जितनी भी चीजें एप्लीकेशंस चल रही हैं और जितनी भी हम लैंग्वेजेस सीख रहे हैं उसमें नोड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम जेएस का काम कर रहे हैं अभी, राइट। तो यहाँ पे हमें नोड जेएस चाहिए होगा, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना होगा, और देन उसके बाद में हमें एक एडिटर चाहिए होगा। पर्सनली मैं जो यूज करता हूँ, जैसे आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं वीएस कोड चलाता हूँ, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे एक्सटेंशन हमें मिलते हैं जिसमें बहुत ईजी हो जाता है कोड लिखना। तो ये दोनों चीजें हमें चाहिए होंगी, और थर्ड हमें यहाँ पे एक कोई भी ब्राउजर चाहिए होगा। आप चाहें तो क्रोम ले लें, या फिर आप पे माइक्रोसॉफ्ट एज हो, या जो भी ब्राउजर आप चाहें, जो भी आपका फेवरेट हो उसको यूज कर सकते हैं। ये तीन चीजें हमें चाहिए किसी भी कोर्स को सीखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे अभी जो आपका नेक्स्ट जेएस का कोर्स है इसके अंदर भी हमें ये तीन चीजें लगेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं नोड जेएस आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने ब्राउजर पे। सो गाइस, ब्राउजर पे आने के बाद में सबसे पहले आपको लिखना होगा क्रोम पे, और कहीं पे भी जिस भी ब्राउजर पे हैं आप नोड जेएस डाउनलोड, तो आपको पहले नंबर पे वेबसाइट मिलेगी, आपको ओपन करना है nodejs.org। कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपको दिखेगी, डायरेक्टली आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली आपको सजेशन करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि यहां से नहीं डाउनलोड करना, या फिर जो ये कमांड्स बता रहे हैं इसके थ्रू नहीं करना, तो आप डाउनलोड्स वाले ऑप्शन पे जाएं। डाउनलोड्स वाले ऑप्शन के अंदर आप या तो पैकेज मैनेजर के थ्रू भी कर सकते हैं इन सारी चीजों को, जैसे मैंने आपको बताया कमांड के थ्रू, या चाहे तो आप प्री बिल्ड इंस्टॉलर के साथ में चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में करंट इनका जो नोड वर्जन चल रहा है वो 22 है, 21 है, 20। इट मीन्स कि जो भी रिकमेंड करा जा रहा है इनकी वेबसाइट पे वही आप डाउनलोड करें तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे इन्होंने डाउनलोड करने के लिए जो रिकमेंड कर रखा है वो 20 वर्जन को कर रखा है। तो इसको आपको क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, एंड देन आपको पता है सॉफ्टवेयर नेक्स्ट 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 फिर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके बाद में आपका ये डाउनलोड कर लिया, आपने इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, और बहुत सारे मैंने चीजें आप जब मैंने रिएक्ट आपको पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने सिखाया था आपको, तो डिटेल में ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर रखी है मैंने। इसके बाद है वीएस कोड। वीएस कोड कैसे डाउनलोड करेंगे आप, तो यहाँ पे जाना है आपको, डाउनलोड करना है, सेम स्टेप्स नेक्स्ट 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 करना है आपको, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। और ब्राउजर की बात करें तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास में ये तीनों चीजें ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसे करके रखेंगे। ओके, अब इसके बाद में जब डाउनलोड हो जाएगा तब क्या करना है, और आप चेक कैसे करेंगे कि अगर इंस्टॉल हो गया आपका नोड जेएस तो कैसे पता लगाएंगे आप। सबसे पहले आपको यहाँ पे टर्मिनल जो भी सीएमडी कमांड है आपकी उसको ओपन कर लेना है, एंड देन क्या करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नोड नोड लिखना है, देन इसके बाद में हाइफन। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास में नोड का जो वर्जन चल रहा है वो 18 यूज कर रहा हूं मैं इसे अभी अपग्रेड कर लूंगा जो भी इनका 20 है 21 है, क्योंकि मेरे पास में एनवीएम पैकेज है, इट मीन्स कि पैकेज कंट्रोलर है उसके थ्रू। अब ये एनवीएम क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में एक अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे मैंने इसे इंस्टॉल करा, कैसे इससे कंट्रोल करते हैं और क्यों इतना ज्यादा हेल्पफुल है ये एनवीएम। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में नोड आ चुका है। नोड आने के बाद में अब क्या करना है हमें, अब हमें चाहिए कि यहाँ पे इंस्टॉल करना है हमें रिएक्ट की एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले ब्राउजर पे, और यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट जेएस, और नेक्स्ट जेएस लिखने के बाद में जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, देखिए ये वेबसाइट है इनकी, यहाँ पे सबसे पहले डॉक्स, ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, या तो नोड जेएस 18 होना चाहिए या उसके बाद का, ठीक है, ये खुद यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं जो कि इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है इन्होंने। इसके बाद में यहाँ पे हमें क्या कमांड चलानी है, यहाँ पे हमें चलानी है npx, जो कि हम रिएक्ट में भी चलाते थे। ओके, इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद में करेंगे इसको हिट,
और हिट होने के बाद में ये यहाँ पे आपका इंस्टॉल होने का काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसे हिट करा, हिट होने के बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपका ऐप का नाम क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ आपका नेक्स्ट जेएस। ओके, नेक्स्ट जेएस हमारी एप्लीकेशन है, तो ओके नेक्स्ट जेएस नहीं रखते, नेक्स्ट लर्निंग। ओके, नेक्स्ट लर्निंग कर देते हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। अब यहाँ पे पूछ रहे टाइप स्क्रिप्ट चाहिए या नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे नो पे इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है, तो अभी टाइप स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, बट ये डेफिनेटली मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं इसके साथ में। इसके बाद है ESLint। ESLint क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा है यस या नो, अभी ये नो बोल रहे हैं बट मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ और इसके बाद में मैं बताऊंगा कैसे यूज करते हैं और ESLint क्यों यूज करना चाहिए जब आप ऑफिस में जाएंगे या ऑफिस के प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। ओके, तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है ESLint। ओके, इसके बाद है टेलविंट सीएसएस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, यस, आगे चल के मैं टेलविंट सीएसएस के बारे में भी बताऊंगा आपको, तो यहाँ पे यस कर लेते हैं, यस। इसके बाद है आपका डायरेक्टरी SRC चाहिए या नहीं चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अब यस आ रहा है और नो भी है आपके पास में ऑप्शन, यस हमें चाहिए क्योंकि इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स के अंदर। ऐप राउटर के बारे में आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, वो भी ऑप्शन है यहाँ पे कि नो और यस, इट मींस जो भी आप यहाँ पे यस और नो करेंगे ना उस तरीके से ये कस्टमाइज करके आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करेगा आपकी लोकल मशीन में। ओके, यहाँ पे यस कर देते हैं। देन इसके बाद है यहाँ पे ये बोल रहा है आपका कस्टमाइज डिफॉल्ट, जो हम इंपोर्ट करते हैं जब हम वहां पे एट द रेट के साथ में स्लैश जो भी पाथ हम देते हैं उसको आप कस्टमाइज करना चाहते हैं इसके साथ में ILS के साथ में, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, अगर नो तो नो। ओके, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बता ही दूंगा, ठीक है। और जो भी ये एट द रेट और स्टार लगा के है इस मेथड को देख लेंगे हम। इसके बाद में ये बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है React, React DOM, Next, Post CSS, Tailwind CSS, ESLint और Config File, ये सारी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। देखिए इंस्टॉल हो रही है यहाँ पे वन बाय वन करके सारी की सारी चीजें, इसको इंस्टॉल होने देते हैं और इंस्टॉल होते होते देखिए यहाँ पे सारी चीजें इंस्टॉल हो भी चुकी है। ओके, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के कॉन्फिगरेशन पे, मेरे पास सिस्टम अभी लेटेस्ट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इसने ज्यादा टाइम नहीं लिया, आपके पास में अगर पुराना सिस्टम है तो वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम आपको लग सकता है। ओके, अब आप कहेंगे कि इसके बाद में हमें यहाँ पे ओपन कैसे करना है, ये जो हमने अभी बनाया आपका, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो देखिए नेक्स्ट लर्निंग आपको दिख रहा है, तो ये सारा पैकेज बन चुका है, आप इसको VS कोड के अंदर ओपन करना है। कैसे करेंगे हम, सिंपल, आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है इस पाथ पे, यहाँ पे CMD लिखना है, CMD लिखने के बाद में कोड डॉट लगाएंगे आप। अगर आपने VS कोड इंस्टॉल नहीं किया होगा अपने लोकल मशीन में तो ये कमांड आपकी वर्क नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं इसे एंटर कर देता हूं, देन ये क्या करेगा, डायरेक्टली मेरे इस पूरी फाइल के पाथ को जो भी फोल्डर है ये VS कोड के अंदर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं दोनों CMD को क्लोज कर देता हूँ, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या आ गया, नोड मॉड्यूल आ गया, SRC आ गया, सारी फाइल्स आ गई। ओके, इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी इसके बाद में अब क्या, अब यहाँ पे इसको रन करके देखना है, तो रन करने के लिए सबसे पहले आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सी कमांड होती है नेक्स्ट जेएस के लिए, तो या तो आप गो थ्रू कर सकते हैं इनकी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट को जो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कैसे ऐप क्रिएट होगी, देन टर्मिनल में जाना है, देन कौन कौन सी कमांड्स हैं, ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी है यहाँ पे, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे package.json नाम की एक फाइल होती है, जिस किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप कभी भी काम करेंगे ना तो वहां पे आपको ये package.json फाइल देखने को मिलेंगी। वहां पे स्क्रिप्ट के अंदर वहां पे डिक्लेरेशन पहले से करके रखते हैं हम कमांड्स को कि वो कमांड उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर क्या रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पे dev लिखा हुआ है, इट मींस कि नेक्स्ट dev, जो भी हम npm स्टार्ट करते थे React में, यहाँ पे dev होने वाला है, build के लिए build, start के लिए start और यहाँ पे lint के लिए lint। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं क्या कौन से कमांड चलाऊंगा, यहाँ पे चलाऊंगा मैं आपका npm run dev। ओके, यहाँ पे जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपका अभी ये चलाया आपका npm run dev, अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरा नोड का जो वर्जन था वो पुराना था, यही सेम इशू आप सबके साथ में भी आएगा, तो देखिए आप कैसे इसे रिसॉल्व करना है। मैंने आपको बताया npm मेरे पास में है, तो मेरे पास में आपका 18, 16 ये सारे वर्जन है, तो मेरे पास में 21 भी ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल स्विच कर लूंगा कुछ इस तरीके से 21.0। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, या फिर मैं क्या करता हूँ, जो भी आपका नोड वर्जन यहाँ पे है आपका 20.17.0, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ कि जिससे कि सेम वर्जन पे हम काम कर सके। अभी जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे ये दिखा रहा है, फ्यूचर में जाके चेंज हो सकता है, ऑफ कोर्स आप उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना अपना। ओके, 20.0
इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये अच्छी बात है कि एरर यहाँ पे आ गया, तो आपको मैं अभी ही बता पा रहा हूँ ये सारी चीजें, तो बेहतर रहेगा आपको जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे हम उसके लिए। देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा एनवीएम इंस्टॉल, और यहाँ पे मेरा ये नोड इंस्टॉल हो रहा है, ये नोड का पर्टिकुलर वर्जन, और यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं आपको लिस्ट करके दिखाऊं वंस अगेन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए लिस्ट आ चुकी है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ वापस से, लिस्ट करते हैं, ये देखिए अभी मैं 18 पे हूँ, 16 भी है मेरे पास में, 20 भी आ गया, 21 भी है मेरे पास में। अब हमें यूज कौन सा करना है, हमें करना है 20.70.0। हम करेंगे सिंपल, यहां से इसने पूछा मेरे से यस, देन वंस अगेन यस, इसीलिए आपको स्क्रीन ब्लैंक दिखी होगी, ओके। और अगर रिकॉर्ड हुई है तो अच्छी बात है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए लिस्ट में अगर मैं करूं एनवीएम लिस्ट, तो 20 आ गया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है यहाँ पे कि किस तरीके से आपको अगर एरर आएंगे तो रिसॉल्व करना है, और ये कैसे इंस्टॉल करते हैं एनवीएम। अगर ऑलरेडी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना के। इसके बाद है नेक्स्ट, अब मेरे को क्या करना है, एनपीएम रन डेव सेम। अब ये मैंने कमांड चलाई, अब ये कमांड चलाने के बाद में ये जो एप्लीकेशन है ये रन होगी, ओके। अब ये रन होगी तो हमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए यस या कैंसिल, ये पूछ रहा है रियल टाइम में आपका पब्लिक यूआरएल पे चलेगा या नहीं चलेगा, जो भी यूआरएल ये सेट करना चाहता है उसके लिए यस नो पूछ रहा है, ओके। आपको यहाँ पे अलाउ करना है, अलाउ करने के बाद में आप देखेंगे कि लोकल यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपका लोकल होस्ट 3000, ओके। इट मीन्स कि हम यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन 3000 पे रन हो रही है। अगर मैं इस पे क्लिक भी कर दूं या कॉपी कर लूं तो ये ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद में मैं इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये आपका कंपाइल कर रहा है, सारी चीजें रेडी कर रहा है हमें व्यू दिखाने के लिए, जो हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन है। मैं फिर दोबारा आपसे मेंशन कर रहा हूँ, ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप के कॉन्फिगेशन पे या सिस्टम के कॉन्फिगेशन पे कि कितना टाइम लगेगा, ओके। आप पे लेटेस्ट है सारी चीजें तो जल्दी हो जाएगा, पुरानी है थोड़ी सी चीजें तो टाइम लगेगा, ओके। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में आप देखेंगे 3000 पे इस यूआरएल पे हमारी नेक्स्ट की एप्लीकेशन का पहला पेज, जो कि बाय डिफॉल्ट है नेक्स्ट का, जब हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, और यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी नेक्स्ट की एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है और रनिंग भी है, ओके। ये एक चीज समझ गए आपकी, कैसे रन करना है, नोड का एरर आएगा तो कैसे चेंज करना है, ठीक है। ये सारी चीजें डन है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई होंगी आपको कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है, और कौन कौन सी चीजें हमें रिक्वायर्ड लगेंगी, लाइक ब्राउजर कौन सा होगा आपका, वीएस कोड कौन कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, नोड कैसे इंस्टॉल करना है, और नेक्स्ट के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में रन कैसे करना है। इतनी सारी चीजों को करें आप, करने के बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करें। एंड गाइज, आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे तो कोड फॉर एजुकेशन पे आए, कोड फॉर एजुकेशन पे बहुत सारी सीरीज कंटिन्यू कर रखी है मैंने, जिसमें आपका मैं बेस्ट जॉब्स बता रहा हूँ फ्रेशर्स के लिए, जो वैकेंसीज निकल रही हैं वो। नेक्स्ट की सीरीज तो चली रही है हमारी, कॉलेज से कॉर्पोरेट में कैसे आते हैं, रिएक्ट के इंटरव्यू हो गए या अब्रॉड कैसे जाना है, रोड मैप की वीडियोस हो गई, या रिडक्स टूल किट लेटेस्ट रिएक्ट 18 के साथ में, रिएक्ट रिएक्ट का आपका कोर्स जो कि मैं अभी जस्ट फिनिश करके आया हूँ आप सबके लिए, एडवांस जावास्क्रिप्ट, बेसिक जावास्क्रिप्ट, देन पोर्टफोलियो, देन उसके बाद में बूटस्ट्रैप 5 के प्रोजेक्ट विद आपके ट्यूटोरियल्स, सारी चीजें, एचटीएमएल सीएसएस, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पे कोड फॉर एजुकेशन के चैनल पे। एंड गाइस, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस, सारी की सारी चीजों की जितनी भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ सबका सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल है, गिटहब पे है, यहाँ पे यहीं पे आपको नेक्स्ट का भी देखने को मिलेगा। अभी मैं जस्ट बना दूंगा, जब तक आप वीडियो देखेंगे जब तक यहाँ पे आ चुका होगा यहाँ पे नेक्स्ट का, ओके फोल्डर, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना सोर्स कोड। एंड जो भी चीज अवेलेबल नहीं है गिट पे, वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है codeforeducation.com, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लेना सारी चीजें। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से करियर रिलेटेड वन टू वन कनेक्ट करते हैं, आप भी करना चाहते हैं तो अपना सेशन बुक कर लीजिए मेरे साथ में वन टू वन के लिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा, ओके। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो देख लेते हैं एक बार। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन कौन सी फाइल किस किस के लिए काम करती है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब के लिए टिल देन बाय गाइज।